अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव पे दूर दूर निकलने का जो है वो मतलब शौक है कि यार बस गाड़ी के अंदर सारा सामान डालें और लंबे किसी सफर पे निकल जाएं और एंजॉय करें इसी तरह का एडवेंचर। तो पहले तो ये बताइएगा, मुझे भी इस तरह का जो है बहुत शौक है कि मैं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं फैमिली को लेके निकल गया हूं और सारा सामान हमने गाड़ी में डाला है और अब हम निकल गए। पीछे अब्दुल कबीर आपको नजर आ रहा होगा। और हम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान टूर पे। ख्वाहिशात देखें, और लड़के लड़के तो फिर भी जो है ना पाकिस्तान टूर वगैरह कर लें, लेकिन अगर फैमिली आपके साथ हो ना, बच्चे हों, वाइफ हों, तो ये टूर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जिसमें फिर ऑफ रोडिंग होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा कुछ ऐसी जगहों के ऊपर हम चक्कर लगाएंगे जहाँ पर हम अपनी ही गाड़ी के अंदर जो है वो ईजिली चले जाएँ, जहाँ के रोड वगैरह बने हुए हों। तो आप भी चलें हमारे साथ और हम देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई ये नाश्ता किया नहीं था तो हल्का फुल्का, अभी तो केक चल रहा है और इसके बाद रास्ते में भी मुल्तान भी आएगा, सखर भी आएगा। तो देखें, अगर मुल्तान में स्टे किया तो आपको मुल्तान का हलवा भी दिखाएंगे। चप्पल का, चप्पल, चप्पल नहीं, शूज। हाँ, शूज है, चप्पल नहीं है। भाई सखर जो है वो आने वाला है और रास्ते में हमने देखे अमरूद तो सोचा कि जो है वो कुछ खा लें। और अब खाना जो है वो घर से बना के आए हुए हम लोग, कहीं देखना है कोई मुनासिब सी जगह रास्ते में मिली तो अब बस जो है वो हम बैठ के कहीं खाना वाना खाएंगे इंशाल्लाह। भाई अभी सखर के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं और सोचा कि लंच कर लिया जाए, तो एक जगह पे हम छाँव में रुक गए हैं एक दरख्त के पास नीचे, और यहाँ पे करीब में एक होटल भी है, बैठ के खाने की जगह भी है। हमने सोचा गाड़ी में ही खाते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। और चावल हमने बनवा लिए थे फुल देसी स्टाइल में। भाई बाहर का खाना अभी तो फिलहाल आज का पूरा दिन मुझे लग रहा है हमारा खाना चलेगा। चिकन का सालन बना लिया था, ये रोटी है, ये चावल है अब्दुल कबीर के लिए। अब्दुल कबीर चावल खाना है? खाना है। ओके, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये जो है वो मेरे ख्याल से खजूर के दरख्त हैं सारे, राइट और लेफ्ट। ये देखें, मैंने रास्ते में रुक के जो है ना सिर्फ आपको खजूर दिखा रहा हूँ कि ये खजूरों के दरख्त हैं और खजूरें देखें इसके ऊपर। इसको बेसिकली हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में खज्जी कहा जाता है। ये काफ़ी बिक रही होती है, तो सिंध के अंदर तो काफ़ी दरख्त हैं इसके। भाई सखर मुल्तान मोटरवे जो है वो नया बना है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। अभी अभी बस हम एंटर हुए हैं सखर मुल्तान मोटरवे के ऊपर, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, सर्विस हो गई सारी माशाल्लाह, बच्चों के डायपर वाइपर चेंज हो गए सब। और अब जो है वो यहाँ से तकरीबन 386 किलोमीटर है मुल्तान, इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि रोड बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप भी बाय रोड अगर अपना ट्रैवल प्लान करें तो सखर मोटरवे जो है ना आपने ज्वाइन करना है, हाईवे से नहीं जाना। अभी हम लोग जो है ना सखर मुल्तान मोटरवे पे हैं और इंशाल्लाह तकरीबन 3 घंटे के अंदर हम जो है वो मुल्तान पहुँच जाएँगे। और रास्ते में हमने जो है ना ये लिए थे अमरूद, और क्या अमरूद हैं, ओह मज़ा आ गया। मतलब अभी खाने के खाना हमने दोपहर में खाया था, उसके बाद काफ़ी देर हो गई है, अभी भूख लग रही थी, हमने अमरूद काटे और खा रहे हैं। यार कराची में ऐसे अमरूद नहीं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भाई फाइनली हम लोग मुल्तान के अंदर हैं। कल रात में मुझे याद है तकरीबन जो है वो 10 बजे के करीब जो है वो हम मुल्तान में जो होटल मैंने रैंडमली गूगल के ऊपर सर्च किया था वहाँ पे पहुँच गए थे। रास्ता बहुत लंबा था लेकिन सखर मुल्तान मोटरवे का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अब जो है वो रात को आगे तो ऐसी हालत हो गई थी कि बस रूम में गए हैं, इशा की नमाज़ पढ़ी है और सो गए, सोचा बस जो भी करेंगे सुबह करेंगे। तो बस अभी मैं जो है वो होटल से निकला हूँ, तकरीबन 9 बजे का टाइम है और मुल्तान के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद हूँ। मुल्तान जिसे औलिया की सरजमीन भी कहा जाता है, और नॉर्मली जब मुल्तान का नाम आए तो फिर जो है ना लोगों को सबसे पहले माइंड में आता है मुल्तान का हलवा। तो मुल्तान को एक्सप्लोर करते हैं, आप भी चलें मेरे साथ और देखते हैं कि यहाँ पे सबसे फेमस हलवा कहाँ मिलता है और इसके अलावा और कौन सी ऐसी जगह हैं जो मुल्तान के अंदर जब भी आप आएँ तो लाजमी विज़िट करें। तो बस मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और फिर मुल्तान एक्सप्लोर करते हैं सारे। देखिए भाई, मुल्तान का नाश्ता सुबह सुबह चने का सालन है और साथ में जो है वो तंदूर की रोटी है। नॉर्मली हम लोग कराची के, हाँ, तवे वाली रोटी है। नॉर्मली हम कराची के अंदर देखते हैं लोगों का ट्रेंड है पराठे का और हलवा पूरी का, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो चने के सालन के साथ रोटी जो है वो तवे वाली रोटी खा रहे हैं। यहाँ पे इमारतें जो है वो रेड ब्रिक्स की भी बनी हुई होती हैं,
नॉर्मली कराची के अंदर इस तरह की बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे और दूसरे काफ़ी और शहर हैं जिस तरह लाहौर है, वहाँ पे भी रेड ब्रिक की बिल्डिंग आपको मिलेंगी। इधर भी भाई फुल कराची जैसा माहौल है, रोड के किनारे पे जो है वो बकरे वगैरह जो है वो खड़े हुए हैं, लोग आगे ख़रीद रहे हैं सुबह सुबह। ये देखें, ये भाई मुर्गा बेच रहे हैं, सामने भी बकरे वाले जो है वो काफ़ी सारे मौजूद हैं यहाँ पे, और देसी मुर्गियाँ भी बिक रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। ये शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, और ये इनका मज़ार है, लेकिन कोविड की वजह से बंद है। जो भी लोग मुल्तान आते हैं वो लाजमी इन मज़ारात पे जो है वो ज़रूर आते हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अब हम नेक्स्ट वहाँ पर जाते हैं, और शायद वो भी कोविड की वजह से बंद है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये जगह मुल्तान का काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है। फाइनली जो है वो रेवाड़ी पे पहुंच गया हूँ, जो कि मुल्तान का सबसे बेस्ट हलवा जो है वो यहाँ से मिलता है। मेरे पीछे जो आप आउटलेट देख रहे हैं, ये देखें, लोग भी जो है वो अपने डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जो है वो यहाँ से हलवा वगैरह और सारी चीज़ें पैक करवा के जा रहे हैं। मेरे बैक साइड पर जो रेवाड़ी का आउटलेट है, वहाँ से बेकरी स्नैक्स आइटम मिलते हैं, जैसे समोसे, पापे और इस तरह की चीज़ें, और ये वाला जो आउटलेट है यहाँ से मिलते हैं इनके हलवे, और इनके हलवे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर मुल्तान आ पाएँ तो आपने ये हलवा मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अंदर जाके बात भी करते हैं उनसे जो यहाँ के ओनर हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं चीज़ों को, और ज़रा हलवे भी लेते हैं अपने फैमिली के लिए इंशाल्लाह। तो चले अंदर चलते हैं। ये हम जो है वो अंदर आ गए हैं रेवाड़ी में, और यहाँ पे जो है वो आपको दिखाते हैं कितनी तरह के हलवे हैं, और जो ओनर हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इकरमा। इकरमा भाई, अभी सिर्फ मुल्तान आया हूँ कुछ घंटे के लिए, और सिर्फ मैंने जो है ना लोगों को दिखाना था व्हाट मुल्तान इज़ ऑल अबाउट। तो इसके अंदर मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खाई थी मिठाई आपकी, हलवा खाया था, तो मैं बड़ा फ़ैन हो गया, तो मैंने लोगों को दिखाते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी फेमस। कितने टाइम से ये हलवे का काम चल रहा है रेवाड़ी का? ये तकरीबन 60 साल हो गए हमारी शॉप को। 60 ईयर्स? यस। अच्छा अच्छा, तो आपके वालिद साहब या उनके वालिद साहब ने स्टार्ट किया था? जी जी, इनके मेरे वालिद के वालिद साहब ने स्टार्ट किया था ये। अच्छा। सन 1961 में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका ये मुल्तान में एक ही आउटलेट है? जी, सिर्फ एक ही आउटलेट है, इसके अलावा हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या ऑनलाइन भी आप लोग डिलीवर करते हैं दूसरे शहरों में या नहीं? जी जी, ऑनलाइन दूसरे शहरों में डिलीवर करते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो सबसे फेमस आपका हलवा जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड हो, कौन सा है? हमारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है सोनलवा, और सोनलवे में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अखरोटी सोनलवा है और सादा सोनलवा है। अच्छा, सादा और अखरोटी दोनों फेमस है। और क्या क्या हिसाब है? और अखरोटी है 760 रुपये किलो, और सादा है 640 रुपये किलो। और जो हलवे में है ना, वो है बादाम पाक सबसे ज़्यादा फेमस। अच्छा, बाहर मुल्क से लोग आते हैं लेने के लिए और पसंद करते हैं इसको। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या ये आपके पास जो हलवे हैं, क्या देसी घी में बनाया जाता है? प्योर देसी घी में बनाया जाते हैं। हम क्वालिटी को चेक करते हैं पहले कि प्योर देसी घी है कि नहीं, फिर उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलें ज़बरदस्त, शुक्रिया भाई। तो ये है भाई, अब हम हलवा इनसे जो है वो पैक कराते हैं। मुझे जो है ना बादाम, आपने बताया ना बादाम का हलवा अच्छा है, बादाम के हलवे के आप आधा आधा किलो के 4 पैकेट बना दें, और दूसरा आपने कौन सा बताया? सोन हलवा। दोनों में से कौन सा अच्छा है? अखरोटी के जो है ना आधा आधा किलो के आप जो है वो बना दें, 6 पैकेट बना दें। ये देखें, ये सारे पैक हो रहे हैं आधा आधा किलो की पैकिंग के अंदर। ये बादाम वाला है ना? ये बादाम पाक है भाई। ये देखें भाई, ये अखरोटी सोन हलवा है भाई, ये काजू का हलवा है, और ये इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। इन्होंने बोला ये भी आप जो है वो टेस्ट कीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके भाई, आप लोगों ने भी जो है वो बहुत इन्जॉय किया होगा रेवाड़ी को। अब रेडी हो गया है सारा सामान, अब नाश्ता लेके होटल जाना है। ये मैं जो है वो सामने वाले रेवाड़ी के आउटलेट में आ गया हूँ, जहाँ पे नॉर्मली बेकरी आइटम जो है वो इन्होंने रखा हुआ है। जैसे आप ये देखें, अभी मैंने नाश्ते के लिए भी ये सैंडविच ले लिया है, काफ़ी सारी किस्म के सैंडविचेज़ हैं, कबाब हैं और रोल वगैरह हैं, चिकन पेटिस है, और यहाँ पर ये जो सारे केक्स हैं आप देख सकते हैं, और ये केक भी बड़े हेल्दी लग रहे हैं, ड्राई फ्रूट से फुल लोडेड हैं। और यहाँ पर फिर जो है वो बिस्किट्स हो गए, और ये सारी चीज़ें हो गई। ये इनका सामने वाला आउटलेट है, और यहाँ पे काफ़ी सारे किस्म के केक्स रखे हुए हैं। ये भाई होटल में आ गए फाइनली, तो नाश्ता भी ले आया हूँ,
और जो है वो हलवा भी ज़रा आपको जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। और अब जो है वो नाश्ता करेंगे, सैंडविच वगैरह हल्का फुल्का खाएंगे क्योंकि सफ़र लंबा है। और मुल्तान का व्लॉग लेकिन मैं यहाँ पे एंड करूँगा, पहले मैं आप लोगों को हलवे का रिव्यू दूँगा और हलवा आपको जो है वो दिखाते हैं कैसा है। ये भाई हलवा फाइनली ओपन कर रहा हूँ मैं। बेगम करीब से दिखाइए ज़रा, ये देखें। अच्छा ये बादाम वाला हलवा है, बादाम वाला मैंने नहीं खाना अभी, मैं खाऊँगा दूसरा अखरोट वाला सोन हलवा। ये भी बादाम वाला है, ये होगा शायद, इसमें होगा या नहीं होगा बताओ। होगा, होगा क्या होगा? अखरोट वाला, अखरोट वाला होगा। चलो देखते हैं, और अगर ना हुआ तो यहाँ से सीधा कराची जाएंगे। वाह यार निकल आया। ये भाई देखें अखरोट वाला सोन हलवा है, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आजकल मीठा मैं कम खा रहा हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ। अब्दुल कबीर हलवा खाओगे? ओके क्या बात है हलवे की, ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है कि बंदा, एक तो होता है ना बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ मुंह में चली जाए तो बंदा अजीब ही मतलब टेस्ट हो जाता है, बहुत ही फिट इसका टेस्ट है और बेहतरीन किस्म का हलवा है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, वेरी गुड, खाओ, बंद करो मुँह। कैसा है? कैसा है? गुड गुड, बोल दो कैमरे को देख के, बोलो गुड गुड। ये तुम चखो और बताओ कैसा है? मस्त है ना भाई, बेहतरीन हलवा है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मुल्तान के अंदर अगर बेहतरीन हलवा खाना है ना आपने, तो बस रेवाड़ी पे एक स्टॉप कर लीजिएगा और यहाँ से हलवे ले लीजिएगा और घर वालों के लिए भी ले जाइएगा। तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत टाइट किस्म की है, कराची से ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। 33 डिग्री तो जो है ना रात में था जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, अभी तो मैंने चेक नहीं किया लेकिन हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब बस हम नाश्ता वगैरह करके निकल रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ निकल रहे हैं। सोच रहे हैं कि कश्मीर चले जाएं और होपफुली आप लोगों ने मुल्तान का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। अब्दुल कबीर बोलो फॉलो करें, इंशाल्लाह करें, अब फॉलो करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।